राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद में पीएम मोदी देंगे जवाब। ओवैसी पर हुए हमले पर संसद में जवाब देंगे अमित शाह। घने कोहरे में किस टोल प्लाजा पर घंटों फंसी सैकड़ों गाड़ियां। और अहमदाबाद वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में बनाई बढ़त। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन दे सकते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री का वक्तव्य शाम 5 से 5:30 बजे के करीब होने की संभावना है, तो वहीं राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य पेश करेंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण का जवाब भी दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में IMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का जवाब देंगे। गृह मंत्री सुबह 11:30 बजे के करीब राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले का जवाब देंगे, तो वहीं लोकसभा में 5 बजे के करीब गृह मंत्री देश के सामने ओवैसी पर हुए हमले पर बयान जारी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों हापुड़ के छिजारसी टोल के पास असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। संत श्री रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी जयंती के मौके पर हैदराबाद के शमशाबाद में चल रहे महायज्ञ में आज दृष्टि दोष रोकने के लिए वैयूही केष्टि यज्ञ किया जाएगा। श्रद्धालुओं के व्यक्तित्व विकास और आत्मा के लिए श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली पूजा कराई जाएगी। त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी ने बताया कि यज्ञ विशेष रूप से रोगों की रोकथाम के लिए आयोजित किया जाता है। कई मशहूर हस्तियां भी विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अलीपिरी में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए टोकन नहीं मिला तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तमिलनाडु से काफी संख्या में श्रद्धालु तिरुमला पर्वत पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आए थे, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए टोकन नहीं मिला, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क उठा और वो प्रदर्शन करने लगे। कोरोना की तीसरी लहर में धीरे धीरे सामान्य होते हालात के बीच 3 राज्यों में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज से सभी केंद्र सरकार के दफ्तरों में फुल अटेंडेंस होगी। आज से सभी सरकारी दफ्तर आम दिनों की तरह पूरे कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार केस बढ़ने के बाद पहली बार कोरोना के 1 लाख से कम केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 893 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और नया हथियार मिल गया है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को DGCI की ओर से इस्तेमाल करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंस गई। जेवर टोल प्लाजा पर घने कोहरे की वजह से घंटों कई गाड़ियां खड़ी रही। घने कोहरे की वजह से ड्राइवर्स को 1-2 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में भारत का पहला और सबसे बड़ा बर्फ का इग्लू कैफे बनाया गया है। इसे कोलाहुई ग्रीन ग्रुप्स होटल्स एंड रिजॉर्ट ने तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयोग है और यहां आए सैलानियों के लिए ये बेहद नया और मजेदार अनुभव है। 38 फीट ऊंचे और 44 फीट घन मीटर के इस इग्लू में पहुंचकर टूरिस्ट खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 177 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे भारत ने 28 ओवर में ही 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 60 रनों की पारी खेली। युजवेंद्र चहल ने 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा वनडे 9 फरवरी को खेला जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।